अस्सलामुअलैकुम, कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं नेहा राठौर। अफरा तफरी के इस दौर में इंसान सुकून के कुछ पल ढूंढता है। पहले वक्तों में मौसीकी और रवायती म्यूज़िक को रूह की ग़िज़ा समझा जाता था, मगर सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस फास्ट दौर में मौसीकी जैसा रिवाज ख़त्म होता नज़र आ रहा है। आज हम आए हैं अल्हम्ब्रा में, जहाँ पर आज भी क्लासिकल म्यूज़िक का रिवाज सीखा और सिखाया जा रहा है। चले आए मिलते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से जो आज भी ये मौसीकी सीखते और सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम उस्ताद शाहिद अली खान है और मैं यहाँ अल्हम्ब्रा आर्ट्स काउंसिल में तबला टीचर हूँ। तो आपको कितना अर्सा हो गया है यहाँ पे काम करते हुए और सिखाते हुए लोगों को? मुझे अल्हम्ब्रा में तकरीबन 70 इयर्स हो गए हैं तबला टीच करते हुए। सर, आपको लगता है कि आजकल के इस फास्ट दौर में जहाँ रैपिंग और इस तरह के म्यूज़िक बहुत आम हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों का रिवाज ख़त्म होता नज़र आ रहा है आपको? जी, जो हर दौर में हर तरह की मौसीकी रही है, लेकिन जो क्लासिकल सुनने वाले हैं वो क्लासिकल ही सुनते हैं, जो रॉक पॉप सुनने वाले हैं यंगस्टर वो रॉक पॉप ही सुनते हैं। तो आपको कुछ मुश्किलात पेश आते हैं यहाँ पे इतने अरसे से काम करते हुए, या पैसों की मुश्किल? जो मुश्किलात की बात है वो हमें अपने हुकूमत से है कि हमें वो नहीं मुकाम मिलता जो हमें मिलना चाहिए, वो हमें सहूलतें नहीं हैं जो एक आर्टिस्ट के लिए होती हैं या होनी चाहिए। जो इदारे की तरफ से आप कहें तो इदारे की तरफ से तो हमें कोई मुश्किलात नहीं है। आपका नाम जान सकते हैं हम और आप क्या सिखाते हैं? मेरा नाम मुर्शाद अली खान है और मैं तकरीबन 17 साल से अल्हम्ब्रा से मुंसलिक हूँ और 35 साल हो गए मुझे फ्लूट प्ले करते हुए। तो आप यहाँ पे काम करते हैं, आप इतना अच्छा फ्लूट बजाते हैं, तो आपको कुछ मुश्किलात पेश आती हैं यहाँ पे? नहीं, पहली बात तो यह है जी कि अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह के मैं देखता हूँ ये अल्हम्ब्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर हमें मंथली बड़ी अच्छी एक हैंडसम पे मिलती है, और फिर दूसरी बात ये है कि हमें जगह जगह काम ढूंढना नहीं पड़ता। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है, और दूसरी बात ये है कि ये इदारा एक ऐसा इदारा है जहाँ पे इतने कम पैसों में लोग सीखने के लिए आते हैं कि आप क्लासों का माहौल देखें, आपको बड़ी खुशी होगी, इतना अच्छा उन्होंने माहौल बना के रखा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद जी, आपका नाम? उस्ताद सलीम खान पुंछवाला। सर जी, क्या सिखाते हैं आप यहाँ पे? मैं सितार की क्लास लेता हूँ। तो आपको लगता है कि ये इंटरनेट का दौर है तो ये क्लासिकल म्यूज़िक और सितार का रिवाज अब ख़त्म होता जा रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सितार जो है ना जी, एक ये साज जो हमारी सकाफत के या बुजुर्गों का साज है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे फंक्शन होते हैं, हम नई नस्लों को क्लासिकल सुना रहे हैं, कुछ शौक़ हो रहा है, इंशाल्लाह इस तरफ लोग आ रहे हैं क्लासिकल की तरफ और इंशाल्लाह आएंगे।
आपको कोई मुश्किलात यहाँ पे काम करने में पेश आती हों, या आपको लगता हो कि मैं इतना बड़ा मतलब इतना अच्छा सिखाता हूँ तो मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिलता, मुझे वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती? देखो, हमारा ये सबको पता है कि हमारा पुंछ घराने का नाम है स्टार फील्ड में, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मेरा बेबहाल शागिर्द है जी, मुल्की गैर मुल्कों में मैं परफॉर्म कर चुका हूँ और मुझे अभी तक अवार्ड नहीं मिला, सिद्धार्थी अवार्ड। और मुझे मेरे चाचा जी को, मेरे उस्ताद जो चाचा जी थे उस्ताद शरीफ खान पुंछ वाले, वर्ल्ड में नाम था, उनको भी मिला है औरों को भी मिला है, अब मुझे अभी तक नहीं अभी मिला, वो मिलना चाहिए, मेरा हक बनता है नहीं। नाम क्या है जी? मेरा नाम हामिद हुसैन है जी। आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं फ्लूट क्लास में तबला प्ले करता हूँ। तो कितना अरसा हो गया आपको तबला बजाते हुए? मुझे यहाँ पे अलहमरा में तो तकरीबन 3 साल हो गए मुझे, तो वैसे मैं 25 ईयर से मैं प्ले कर रहा हूँ तबला। तो आपको लगता है कि मौसीकी का और ये तबला और फ्लूट जैसी चीज़ों का रवाज आजकल ख़त्म होता जा रहा है? नहीं, अब स्टूडेंट्स काफ़ी हमारे पास आ रहे हैं, दोबारा वही ट्रेंड बैक हो रहा है, क्योंकि डिजिटल मीडिया है तो उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, कंप्यूटराइज हो गया। तो अभी हम मिले हैं सिखाने वालों से, अब आइए हम मिलते हैं सीखने वालों से। मेरा नाम जो है तैयब अवान है। तो आपने रैपिंग और फास्ट म्यूजिक या ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं सीखी, फ्लूट को क्यों सीखना पसंद किया? देखें, ये अपनी अपनी चॉइस है, अब मन की बात है, अभी किसी का मन सितार का कहता है, किसी का तबले का कहता है, किसी का फ्लूट का, लेकिन मुझे शुरू से इससे बहुत मोहब्बत थी बचपन से। आपको लगता है कि आप यहाँ अच्छा सीख रहे हैं और आपके उस्ताद साहब अच्छे हैं? उस्ताद की तो जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो आप यहाँ क्या सीख रहे हैं और कितने अरसे से सीख रहे हैं? जी, यहाँ पर मैं तबले का स्टूडेंट हूँ, तकरीबन मुझे 8-12 साल हो गए हैं, 10 साल यहाँ पर सीखते हुए, और खुदा का शुक्र है कि अब यहाँ पे टीच कर रहा हूँ मैं। आपको लगता है कि इस दौर में सोशल मीडिया के और फास्ट म्यूज़िक के इस दौर में तबले का रिवाज ख़त्म होता नज़र आ रहा है? जी जी, बिल्कुल इस तरह है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि अब जो था ना वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया, लेकिन ये अब अलहमरा की यहाँ की काविश है कि वो जो था ना इधर क्लासिकल मौसीकी को फ़रोग दे रहे हैं, और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो उनसे क्या कहते हैं आगे भी आ रहे हैं और मुल्क का नाम कर रहे हैं रोशन। आपने फास्ट म्यूज़िक या ऐसा रॉक म्यूज़िक टाइप कुछ क्यों नहीं सीखा, तबले को क्यों चूज़ किया? बस वो बचपन से क्या कहते हैं एक इंटरेस्ट था, और वो क्या कहते हैं इस तरह की गैदरिंग में बैठना उठना, घर में म्यूज़िक था तो वहीं से बस क्या कहते हैं इसका आगाज़ हुआ, तो फिर ये क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ रुझान हो गया। अच्छा, आपका नाम क्या है? तो आप क्या सीखते हैं यहाँ पे? पेंटिंग, स्केच, वो मैं करता हूं। कितना अर्सा हो गया आपको सीखे? 10 साल हो गए। आपको मज़ा आता है यहाँ पे काम? बहुत मज़ा आता है, बहुत मेरी पेंटिंग शेयर होती है, पेंटिंग का मुझे बहुत प्रोग्राम मिलता है, जहाँ मेरे दो बहुत अच्छी हैं, मतलब मन बहुत अच्छी हैं, मन बहुत अच्छी हैं, पेशा बहुत अच्छी हैं, मेरे दोस्त फिर भी आए वो करते हैं मेरे दोस्त। टीचर्स के साथ काम करके अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो
आपको लगता है गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है कुछ, या कुछ आप कमाते हो उससे कोई प्रोग्राम मिला? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मिला मुझे, जॉब मिल रही है यहाँ पे, जॉब मिलेगी। तो आज हम यहाँ पे अलहमरा काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ, सो मैम कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम समन है, आई एम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर लाहौर आर्ट्स काउंसिल, और मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 मंथ्स हो गए मुझे काम करते हुए। तो मैम क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं, तो आपको लगता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से क्लासिकल म्यूज़िक को बहुत निग्लेक्शन मिल रही है, तो आपने क्या स्टेप्स लिए हैं कि इसको अभी भी ज़िंदा रखा जाए? आई थिंक आप सही कह रही हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक थोड़ा सा डाउन साइड पे इसलिए है कि इसके लिए इतना ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अलहमरा में क्लासेस ऑफ़र की जाती हैं जिसमें क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया जाता है। बहुत अच्छी सीजन फैकल्टी है हमारे पास जो कि म्यूज़िक सिखाते हैं, गायकी भी और उसको बजाना भी, तो हमारे पास अभी क्लासेस का सिलसिला जारी है और अच्छी एक स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है जो सीख रही है। सो डू यू थिंक लोग इंटरेस्ट लेते हैं अभी भी क्लासिकल म्यूज़िक में, और स्टूडेंट्स आपके पास अच्छी क्वान्टिटी में आते हैं? आई थिंक क्लासिकल म्यूज़िक वो सीखता है जो जेन्युइनली सीखना चाह रहा होता है, और इसकी अफादियत अपनी जगह है बिकॉज़ क्लासिकल चीज़ों का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, नो मैटर के कितने भी कमर्शियलिज्म बढ़ जाए, तो हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद अच्छी रहती है पूरे साल में, ज़ाहिर कम ज़्यादा होता रहता है। फिर कोविड की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा, प्री कोविड सिचुएशन में स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, लेकिन अब चूँकि क्लासेस का सिलसिला दोबारा स्टार्ट किया तो आहिस्ता आहिस्ता इट इज़ पिकिंग अप। जो मैम यहाँ सिखाते हैं, टीचर्स हैं, आप उनको मतलब हैंडसम उनको पे वगैरह करते हैं, दे आर सेटिस्फाइड? हमारी जो काउंसिल में क्लासेस का सिलसिला है वो ये है कि आप 3 मंथ्स में बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं, और जो भी असातिज़ा हमारे साथ काम करते हैं दे आर पेड वेल, मैं तो नहीं कहूँगी कि बहुत हाई पेमेंट्स हैं लेकिन मुनासिब हद तक पेमेंट्स मिलती हैं उनको। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्लासिकल म्यूज़िक के लिए, लाइक आपको लगता है ये रूह के लिए एक सुकून दे अमल है, और या आपको भी फास्ट म्यूज़िक टाइप चीज़ें पसंद है? आई थिंक हर तरह का म्यूज़िक उसकी अपनी एक अफादियत है, जैसे फोक म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है, जैसे इंग्लिश म्यूज़िक बहुत लोग सुनते हैं, और फिर इलाकाई म्यूज़िक है जो कि आपके जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन जो क्लासिकल म्यूज़िक है जो हमारे राग हैं उनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। किसी भी चीज़ को आपने सीखना हो तो जो बेसिक्स हैं उन पर तो आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो आई थिंक इसकी अफादियत हमेशा ही रहेगी, इसको सीखना भी ज़रूरी है, और इसके बगैर आप नेक्स्ट स्टेजेस पे मेरा नहीं ख्याल जा सकते हैं। तो आज हमने देखा कि अलहमरा जैसी जगहों पे आज भी रवायती म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक को ज़िंदा रखा जा रहा है, आज भी यहाँ सीखने और सिखाने वालों की कोई कमी नहीं है। कैमरामैन मरियम के साथ नेहा राठौर, कैपिटल टीवी, लाहौर।